नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे राशिफल 6 मार्च 2019 का। आगे बढ़ने से पहले वही जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, बार बार कमेंट्स करने के बाद भी इसमें जवाब नहीं, वीडियो में ही जवाब मिलेगा। 2 दिन का गैप बना के रखे। अगर 4 दिन तक आपकी रिक्वेस्ट नहीं आती है तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब उसमें आ जाएगा। अगर आपका कमेंट का जवाब आ भी जाता है तो भी आप उसमें लिख दीजिए कि आपके कमेंट का जवाब हो गया। जैसे आज ही मैं पढ़ रहा था, कई रिक्वेस्ट ऐसी होती हैं जिनके अंदर जवाब वो मिलने के बाद भी वो जवाब दे देते हैं। तो आइए बिना समय नष्ट करे हम सीधा ही राशिफल जानते हैं। उससे पहले हम गीता जी से पंचांग सुन लेते हैं और उसके बाद मेष राशि के साथ शुरुआत करेंगे आज के दिन का। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। आज का दिन बुधवार, तारीख 6 मार्च 2019, विक्रम संवत 2075, शक संवत 1940, आयन उत्तरायण, ऋतु शिशिर और मास फागुन। आइए अब जानते हैं पक्ष के बारे में। आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या रात 9:24 तक रहेगी और उसके पश्चात प्रतिपदा शुरू हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो शताभिषा शाम 6:14 तक होगा और उसके पश्चात पूर्व भाद्रपद योग सिद्ध दोपहर 3:25 तक रहेगा और उसके बाद साध्य होगा। करण की बात करें तो चतुष्पदा। आइए अब जानते हैं सूर्योदय के बारे में। आज सूर्योदय 6:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:22। आज सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा। लीक काल की बात करें तो सुबह 11:05 से 12:30 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 12:30 से दोपहर 2:05 तक रहेगा। आज की दिशा शुल्क उत्तरी है। आइए जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि स्वामी मंगल, मंगल की जो इस टाइम पे उपस्थिति है वो मेष राशि के अंदर ही है। तो जानते हैं आज का दिन आपका कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए काफी शुभ रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने का मन बना चुके हैं तो यह सही डिसीजन है आपका। आप आज इस फैसले के साथ जा सकते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य काफी टाइम से खराब चल रहा है और उसमें कुछ आप सुधार की उम्मीद नहीं, सुधार नहीं चल रहा था, तो आज हम कह सकते हैं सुधार की उम्मीद भी उसके अंदर आपको दिखेगी। विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही है, किस्मत आपका साथ अवश्य देगा। प्रेम विवाह के संबंधों में भी अवश्य सुधार रहेगा। अगर आप प्रेम विवाह के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको आज सुधार मिलेगा। माता पिता के साथ बच्चों के संबंधों में काफी सुधार भी आएगा। अगर आपके रिलेशन कुछ डिस्प्यूट चल रहा था या कुछ हम कह सकते हैं कुछ तनाव चल रहा था माँ बाप और बच्चों के रिलेशन में, तो आज आपको वो भी सुधरता हुआ नजर आएगा। व्यापारी कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले, काफी विचार विमर्श करके ही कोई डिसीजन ले। आज आपके लिए थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सफलता आपको आज जरूर मिलेगी। आज के शुभ रंग की बात करें तो आपके लिए लाल है और अंक की बात करें आपका आज लकी नंबर 1 और 4 रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि स्वामी शुक्र, शुक्र की प्लेसमेंट आज भी मकर राशि के अंदर है केतु के साथ। तो जानते हैं वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। आज वृषभ राशि वालों के लिए कुछ समय मध्यम वर्ग का रहेगा। व्यापार में धन डूबने की थोड़ी सी संभावना है, तो कोशिश करके बड़े ही सतर्कता के साथ किसी को धन आज दें। हिम्मत ना हारे, सोच समझ कर व्यापार करें आज। पुराना कर्ज लेने वाला कोई जाग सकता है, मगर परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जो परिस्थितियां हैं वो आपकी फेवर में रहेंगी। स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है किंतु सुधार भी जल्द आएगा। विद्यार्थियों को मेहनत व लगन की पहले से अपेक्षा ज्यादा करनी पड़ेगी, कामयाबी तभी साथ नहीं छोड़ेगी। यात्रा अच्छी नहीं रह सकती है, तो अगर यात्रा के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो कल तक के लिए आप स्थगित कर सकते हैं। वाहन चलाते समय भी आज आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लकी नंबर की बात करें तो आज आपका 7 है और शुभ रंग आज आपके लिए हरा रहेगा। आइए जानते हैं हम मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि स्वामी मरकरी यानी कि बुध, बुध की प्लेसमेंट इस टाइम पे 12वीं राशि यानी मीन राशि में। जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा।
आज का दिन आपके लिए भी शुभ रहेगा, मंगलमय रहेगा। व्यापार में अगर आपकी पार्टनरशिप है तो हम कह सकते हैं आज का दिन कुछ शुभ समाचार आपको पार्टनर की तरफ से आने की संभावना है। पति पत्नी में भी आपसे प्यार बढ़ेगा। विद्यार्थियों को कोई शुभ सूचना मिलने की आज संभावना है। आज अध्यात्म की तरफ कुछ रुचि बढ़ेगी और कुछ धार्मिक यात्रा होने की भी संभावना है। परिवार के साथ या आप मित्रों के साथ भी आज कुछ धार्मिक स्थानों पे जा सकते हैं। प्यार संबंधी रिश्तों में भी अगर कुछ गलत फहमी चल रही थी तो उसमें भी आज सुधार होगा। नौकरी से परेशान लोग भी आज नौकरी से संबंधित कुछ शुभ सूचनाएं मिलने का संकेत है। तो हम कह सकते हैं कि नौकरी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जिनको नौकरी नहीं भी मिल रही है वो भी आज इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए भी आज फायदेमंद दिन साबित होगा। शुभ रंग आज आपके लिए संतरी और पीला है। और शुभ अंक की बात करें, लकी नंबर आज आपका 8 है। कर्क राशि, आइए जानते हैं कर्क राशि वालों का हाल। कर्क राशि स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा की प्लेसमेंट इस टाइम पे 11वीं राशि में सूर्य के साथ है, कुंभ राशि के अंदर। आइए जानते हैं आज कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन मध्य रहेगा। विद्यार्थियों से निवेदन है कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। खासतौर से विद्यार्थियों के लिए जो मैनेजमेंट की स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए, क्रिएटिव काम कर रहे हैं उनके लिए भी। पति पत्नी अपने संबंधों में विश्वास बनाए रखें, आज उसकी काफी आवश्यकता पड़ सकती है। व्यापारी अपने व्यापार में साझेदारी आज ना करें। अगर कोई नई साझेदारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको आज ना करें। कोई बड़ा कर्ज बन सकता है। यदि कहीं से कर्ज लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उस पर एक बार सोच विचार अवश्य कर लें। नौकरी से परेशान लोगों को आज नौकरी मिलेगी, उनका दिन अच्छा रहेगा। पान चलाते समय हो सके तो घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आज जरूर ले लें और थोड़ा सा ध्यान से चलाएं, आज आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। प्रेम संबंध भी आज कुछ अच्छे रहेंगे। कुछ नए रिश्ते बनने की आज अच्छी ही संभावना है। शुभ रंग की बात करें तो आपका हरा और गुलाबी। और शुभ नंबर आज आपके लिए, लकी नंबर आपके लिए 2 और 5 रहेगा। तो आइए जानते हैं हम सिंह राशि वालों का हाल। सिंह राशि स्वामी सूर्य, सूर्य की प्लेसमेंट कुंभ राशि के अंदर। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन काफी अच्छा सिद्ध होगा। विद्यार्थियों को परीक्षा में मार्ग में सफलता प्राप्त होगी। नौकरी ना मिलने से अगर आप परेशान चल रहे हैं, काफी दिनों से नौकरी की वजह से अगर आप परेशान है कि नौकरी नहीं मिल पा रही, तो आज आप ट्राई कर सकते हैं, आपका भाग्य साथ जरूर देगा, सफलता मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में पहले की अपेक्षा अच्छे फल मिलने की संभावना है। अधिक मुनाफा रहेगा और कुछ नए लोग और नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। अगर आपका व्यापार में या किसी रिश्तेदार से कोई आपसी मतभेद चल रहा था काफी समय से, तो उसमें भी आज हम कहेंगे कि प्यार मोहब्बत वापस या वापस सेटलमेंट होने के चांसेस हैं। जिनका स्वास्थ्य भी काफी समय से, जिसे हम कहते हैं प्रोग्रेस नहीं ले पा रहा था, तो उसमें भी आज हम कहेंगे कि सुधार होने के, आपको सुधार महसूस होगा। जिनकी शादियों में रुकावट आ रही थी काफी समय से, उनके भी हम कह सकते हैं आज संजोग खुलेंगे। लंबी व अच्छी यात्रा करने के आज संयोग है। यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, उसको टालेना जरूर चाहिए। शुभ रंग की बात करें तो आज आपका पीला और नीला रहेगा। और शुभ नंबर की बात करें तो आज आपके लिए 6 नंबर लकी नंबर है। कन्या राशि, आइए जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि स्वामी बुध, बुध की प्लेसमेंट 12वीं राशि यानी मीन राशि के अंदर। कन्या राशि वालों का आज का दिन ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा अच्छा, एक मध्यम फल लेकर आएगा। कार्य होंगे लेकिन ठीक ढंग से नहीं होंगे, जिस जैसा चाहते थे वैसे फल नहीं मिल पाएंगे, तो निराश ना होइए। स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ समस्याएं नजर आएंगी, मगर आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। पैर से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। यदि कोई व्यापार घर से कर रहे हैं तो वो लाभदायक होगा, आज उसमें लाभ मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। यदि कोई सरकारी काम रुके हुए हैं तो उसमें भी आज, जिसे कहते हैं, कुछ हलचल आप महसूस करेंगे। विद्यार्थियों से निवेदन है कि कोई भी कार्य करते समय अपने गुरु, अपने टीचर की सलाह अवश्य ले लें, आज आपको उनकी सलाह की जरूरत और आवश्यकता पड़ेगी।
विदेश यात्रा में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है, मगर परेशान मत होइएगा, ये टेम्पररी है, अगले हफ्ते तक ये सब ठीक हो जाएगा। निराश ना होइए, सफलता आज आपका साथ जरूर देगी। पति पत्नी भी अपना आपसी विश्वास बनाए रखें। आज आपका शुभ रंग भूरा होगा और जो लकी नंबर की बात करें हम तो 9 रहेगा। तो आइए जानते हैं, आप कुछ रिक्वेस्ट ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं बाकी राशियों की तरफ। सबसे पहले रिक्वेस्ट लेते हैं हम रघु शर्मा मंगोत्रा जी की। मंगोत्रा रघु शर्मा जी हैं, रघु शर्मा मंगोत्रा जी हैं। इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के लिए क्वेश्चन पूछा है, जम्मू से हैं ये, कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी, किस फील्ड में लगेगी। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं, प्रश्न कुंडली लगा लेते हैं। रघु शर्मा जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने क्या करना है, एकांत में बैठना है, इस प्रभु को याद करना है अपने, जिस भगवान को आप मानते हैं, एक बुक लेनी है हाथ में, उस बुक के अंदर पहला पेज नंबर 1 और उसके बाद जो बाद का पेज नंबर 249 पेज नंबर यानी 249, ये दोनों पेज को पकड़ लेना है, बाकी की बुक के पेजेस को छोड़ दीजिएगा, 1 और 249, उस बुक को बंद करके झटके के साथ खोलिएगा। राइट या लेफ्ट, जो नंबर आपको पहले दिखता है वो नंबर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, साथ में ये क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी। तो उसके बाद हम चेक कर लेंगे, चेक करके फिर मैं आपको जरूर इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर हम आगे इसमें चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप ये करिए और मुझे कमेंट कीजिए, फिर हम चेक करते हैं। अगली रिक्वेस्ट लेता हूं, बड़ी प्यारी रिक्वेस्ट आई है अगली, प्रदीप कुमार जी की आईडी से आई है, मगर एक बच्चे ने रिक्वेस्ट भेजी है जिसने अपना नाम वर्णिका लिखा है। वर्णिका जी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी दी है, इनको स्किन प्रॉब्लम चल रही है, मैं चेक कर लेता हूं एक बारी। बेटा हाँ, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूं, है कुछ प्रॉब्लम स्किन की, लास्ट टू लास्ट ईयर शुरू हुई होगी ये 2017 में, लास्ट ईयर सॉरी शुरू हुई होगी, और लास्ट ईयर आपका अभी कुछ इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा वीक होगा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने फादर को बोलिए, वो मुझे कमेंट करेंगे, मैं उनको क्लियर बता दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, कुछ इस टाइम पे आपको बॉडी आपकी थोड़ी सी इम्यून सिस्टम वीक हो गए तो जुकाम वगैरह भी आपको जल्दी लग जाते होंगे, इस वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं यही कहूंगा बेटा, आप अपने फादर को बोलिए मुझे कमेंट करें और ये डेट ऑफ बर्थ के साथ, फिर मैं उनको बता पाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं प्रदीप कुमार जी, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कमेंट कीजिए, फिर हम इस हॉरोस्कोप के ऊपर आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अगली रिक्वेस्ट ले लेते हैं, अगली रिक्वेस्ट हम ले रहे हैं अशोक कुमार पानी जी की। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी अपनी डॉटर की बेटी की शादी के बारे में, प्रश्न कुंडली लगाई थी हमने, नंबर इन्होंने दिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या जवाब आ रहा है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अशोक कुमार जी प्लेनेट थोड़े वीक है शादी के लिए, मैं समझ रहा हूं प्रॉब्लम है, तभी आप एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर ये फर्स्ट स्टेज पे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती तो आपको शायद एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ना लेनी पड़ी, ना पड़ती। तो आपने हेल्प ली है तो इसलिए मैं आपको क्लियर कहना चाहूंगा, मेरी यहां से कोशिश ये होती है कि मैं सही इंफॉर्मेशन दूं ताकि आप लोग परेशान ना हो। प्लेनेट शादी के लिए वीक है, नहीं तो अब तक हो चुकी होती। दूसरी बात, अभी भी प्लेनेट जो है अप्रैल से लेके, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अप्रैल से लेके जुलाई तक ये एक पीरियड है जिसके अंदर कुछ चांसेस हैं कि शादी हो सकती है। जिससे भी आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, जो भी रिश्ता आता है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कि मैच मेकिंग करके कि ये ठीक है या नहीं है। केवल गुण मिलान तक ही मत सीमित रहिएगा, क्यों, क्योंकि आपकी डॉटर की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर एंग्जाइटी बहुत है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं परेशानी, इंस्टेबिलिटी, मतलब कुछ मन परेशान रहता है उनका, उनका माइंड डाइवर्ट रहता है, थोड़ा सा परेशान रहता है। तो जो हॉरोस्कोप सामने वाली आप देखेंगे वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए ताकि आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो पीरियड है अप्रैल से लेकर जुलाई तक, इसी बीच में अगर मंगनी के साथ आप शादी कर देते हैं तो बेटर है, नहीं तो ये टाइम थोड़ा सा लेट हो जाएगा, थोड़ा गैप आ सकता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं ताकि अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप
मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वैसे तो पत्थर भी पहन सकते हैं आप जिससे ये पॉजिटिव हो जाए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। अगर मुझे नहीं पता आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, अगर आप पहन सके तो बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। नहीं तो मैं आपसे यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस बीच में ही रिश्ता थोड़ा सा तेज देखिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, मगर शादी हो सकती है, इसमें चांसेस है। ये थी रिक्वेस्ट, हम चलते हैं कुछ राशिफल पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट होगी तो हम आगे ले लेंगे। आइए जानते हैं अब तुला राशि का हाल। तुला राशि स्वामी शुक्र, शुक्र की प्लेसमेंट मकर राशि के अंदर केतु के साथ। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन परिश्रम व सफलता लेकर आएगा, परिश्रम और मेहनत भरपूर रहेगी मगर सफलता भी मिलेगी। मैनेजमेंट में आपको अपनी कला दिखाने का प्रदर्शन मिलेगा और उससे आपकी प्रशंसा भी आपको प्राप्त होगी। अगर स्टूडेंट्स हैं मैनेजमेंट स्टडीज के या क्रिएटिव, तो आज अपनी कला को किसी के सामने रखना चाहे तो रख सकते हैं, आपको आज तारीफ ही मिलेगी। कार्यभार में वृद्धि होगी और छोटे भाई बहनों के साथ अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी रिश्ते सुधरेंगे। अच्छी पुरानी मेहनत जो आप बड़े समय से कर रहे थे वो आज रंग लाएगी। बीमारी से आपको लड़ने की आज राहत भी मिलेगी, लड़ने की शक्ति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुभ व लंबी यात्रा करने के आज कुछ योग हैं, जा सकते हैं, परिवार के साथ जाना चाहे तो वो भी अच्छा आपके लिए। रुके हुए सरकारी काम भी कुछ आगे बढ़ेंगे। धार्मिक स्थलों पर जाने के अवसर प्राप्त होंगे। शुभ रंग की बात करें आपका तो आज हरा है और शुभ अंक आज आपके लिए 8 रहेगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि स्वामी मंगल, मंगल की प्लेसमेंट इस टाइम पे मेष राशि के अंदर है। वृश्चिक राशि वालों आज आपके लिए दिन उत्तम साबित होगा, शुभ अवसर प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या गाड़ियों वाहन से रिलेटेड अगर आपका व्यापार है तो उसमें आपको आज लाभ होने के पूरे पूरे संकेत है। अगर आप पैसिव इनकम में डिपेंड हैं, जैसे कि किराया या कोई फाइनेंस का काम है, तो उसमें भी आज आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज और नए क्लाइंट मिलने की पूरे पूरे योग बने हुए हैं। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, विदेश यात्रा के अच्छे योग हैं। अपने ससुराल पक्ष के साथ भी आज आपको कुछ समय अच्छा व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार रहेगा। लकी नंबर की बात करें तो आज आपके लिए 1 और 7 रहेगा और लकी रंग आज आपके लिए नारंगी रहेगा। आइए बात कर लेते हैं कुछ धनुराशि के बारे में। धनुराशि स्वामी गुरु, गुरु की प्लेसमेंट इस टाइम पे वृश्चिक राशि के अंदर है। कार्य व्यापार में कुछ रुकावटें या बाधाएं आएंगी आज आपके लिए। स्वास्थ्य में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर स्टूडेंट्स भी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका मन भी हम कह सकते हैं कि आज कुछ उचाट रहेगा, पढ़ाई करने का पढ़ाई में रुचि नहीं लगेगी, मगर अपने मन को एकत्र कीजिए और पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। वैवाहिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आज देखने को मिल सकता है, इसीलिए कोशिश करके भी कुछ नेगेटिव वर्ड्स को यूज आज ना करें। वाणी ही आज आपको बचा सकती है, तो वाणी में आज जितनी मधुरता रखेंगे आपके कार्य होते चले जाएंगे। विद्यार्थियों को जैसा कहा है मैंने, संघर्ष करना पड़ सकता है, सफलता जरूर हाथ लगेगी। यात्राओं में भी कुछ रुकावट आ सकती है, कोई अनचाही परेशानी आके यात्रा रोक सकती है। रिश्तों के स्तर पे कुछ मतभेद रहेगा, मगर परेशान और चिंतित बिल्कुल ना हो। शुभ रंग आपका गुलाबी रहेगा और शुभ अंक की बात करें तो आपके लिए 6 आज लकी नंबर रहेगा। आइए जान लेते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि स्वामी शनि, शनि की प्लेसमेंट इस टाइम पे धनु राशि के अंदर। मकर राशि वालों के लिए आज एक नया भाग्योदय होगा, जिसे कहते हैं सूर्य कुछ नई कृपा लेकर आज आपके लिए दर्शन देगा। धार्मिक स्थलों पर जाने के अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में भी आज बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। कुछ मित्रों के साथ जाने का मौका मिल सकता है, कुछ मित्रों के साथ नए धार्मिक कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। माता पिता से आज आशीर्वाद लेके निकलिए, आपका दिन अच्छा रहेगा।
कोशिश करके अगर कोई यात्रा आप करने की सोच रहे हैं तो दूर लंबी यात्रा, छोटी नहीं लंबी यात्रा अगर आप सोच रहे हैं तो टाल सकना चाहे तो आज टाल सकते हैं। कोशिश करिए घर परिवार के साथ ही आज दिन बिताइए, अच्छा सुहाना अवसर आपको फील होगा। स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखें, व्यापार में संतुलन बना रहेगा। शुभ रंग आज आपका सफेद है और शुभ नंबर की बात करें लकी नंबर आज आपके लिए 4 रहेगा। आइए बात करते हैं अब कुछ कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि स्वामी शनि, शनि की प्लेसमेंट इस टाइम पे धनु राशि के अंदर। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन लाभ लेकर आएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ परेशानी चल रही है तो आज लाभ भी आपको ही प्राप्त होगा। व्यापार में बढ़ोतरी होगी, नए व्यापार के योग बनेंगे। अगर आप नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं बाहर की तो आज आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी पॉजिटिविटी रहेगी। अपनी संतान से संबंधित अगर आपको कुछ चिंताएं सता रही थी तो उसमें भी आज आपकी चिंताएं मुक्त होनी शुरू हो जाएंगी, शुरुआत हो जाएगी। सामाजिक उपलब्धियां बढ़ेंगी, विद्यार्थियों का पढ़ाई हो सकता है कि मन ना लगे मगर परेशान बिल्कुल ना होए, मन को एकत्र करके पढ़ाई करनी आज आपके लिए जरूरी है, सफलता आपको नहीं छोड़ेगी। शुभ रंग की बात करें तो आपका काला है और शुभ अंक आज आपके लिए 3 रहेगा। आइए जानते हैं कुछ मीन राशि के बारे में। मीन राशि स्वामी गुरु, गुरु की प्लेसमेंट वृश्चिक राशि के अंदर है। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए अच्छे फल लेकर आएगा, सुनहरा दिन होगा। कुछ नए काम के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा रहेगा। पुरानी बातों से यादें ताजा होंगी, कुछ पुराने मित्रों के साथ, कुछ पुराने दोस्तों, कुछ पुराने व्यापारियों के साथ भी आज भेंट होने के पूरे पूरे चांसेस है, कुछ व्यापार बढ़ेगा। शिक्षा के स्तर पर भी शुभ सूचना मिल सकती है, गृहिणियों को भी आज कुछ प्रशंसा मिलेगी। पारिवारिक रिश्ते बने रहेंगे, पति पत्नी को आपस में आज विश्वास बना के रखने की जरूरत है, इसमें और इजाफा ही होगा। रिश्तों में मजबूती भी आएगी और संतान का सहयोग भी मिलेगा। यात्रा को हो सके तो आज टाल दें, परिवार के साथ अधिक समय बिताइए। शुभ रंग की बात करें तो आज आपके लिए एक्वा ब्लू रहेगा और शुभ नंबर जो होगा लकी नंबर आज आपके लिए 2 और 5 रहेगा। तो ये तो था 12 राशियों का हाल। मैं चेक कर लेता हूं अगर कोई रिक्वेस्ट आई हो तो रिक्वेस्ट ले लेते हैं, नहीं तो हम सीधा ही चलते हैं, आपसे अलविदा लेंगे। अगली रिक्वेस्ट हम ले रहे हैं सौरभ पानीकर जी की। सौरभ पानीकर जी का क्वेश्चन है कि